एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का पैसा ट्रांसफ़र करने वाला फॉर्म कैसे भरा जाता है, यानी कि आप आरटीजीएस या नेफ्ट आप रुपए किसी के अकाउंट में बैंक द्वारा आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार बैंक गए हैं और आपको आरटीजीएस या नेफ्ट का फॉर्म दिया जाता है कि सर इसको आप फिलअप करके दीजिए और उसके बाद में आपके अकाउंट से रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे जो अकाउंट नंबर आप इसमें डालेंगे, तो अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है भरने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का आरटीजीएस या नेफ्ट फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। उसमें आपको दो फॉर्म रहते हैं, एक तो A4 साइज का बड़ा सा फॉर्म रहता है भरने के लिए रहता है और एक सा छोटा साइज फॉर्म रहता है, उसको भी भर के आप अपना पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। और सेम उसी बैंक में ही अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में ही आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करवाना है अपने अकाउंट से, तो वो भी फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आ गए हैं तो हमारे पास ये प्रोफार्मा है सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का आरटीजीएस और नेफ्ट द्वारा रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो फॉर्म। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है। अगर आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में आप रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और आपका जो अकाउंट है वो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में है, तो आपको बैंक द्वारा ये फॉर्म दिया जाएगा, आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने शाखा का नाम डाल देना है, जो भी आपके ब्रांच जो ब्रांच का शाखा लगता है जो ब्रांच आपको वो ब्रांच यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको उस तारीख का डेट यानी डेट डाल देना है, जैसे हमारे इसमें पड़ा है 27/4/2023। उसके बाद में यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर नामों से नामों के ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है रुपए यानी कितने रुपए आप भेजना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000, तो उसके बाद में 10,000 रुपये, उसके बाद में आपको अपना नाम यहाँ पे लिख देना है और नीचे यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। तो ये हो गया आपका, और नीचे यहाँ पे आप वो जो ऊपर आपका हिंदी में है वही यहाँ पर आपको नीचे इंग्लिश में भी लिखना है, लेकिन इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आएँगे तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पक्ष में, तो पक्ष में जिसके भी अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है और उनके बैंक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, शाखा आपको यहाँ पे लिखना है और उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है और IFSC कोड आपको डालना है और नीचे यहाँ प्राप्ति की तारीख वगैरह इसको आपको नहीं फिलअप करना है, छोड़ देना है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा जूम कर लिया है हमने क्योंकि साफ दिखता नहीं, तो कृपया नीचे बताएं अनुसार। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया है कैलाश। उसके बाद जो भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो रुपये यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये। और यहाँ पे आपको शब्दों में डाल देना है, जो भी रुपये आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे 1,00,000 रुपये मात्र शब्दों में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको डाल देना है डेट यानी जिस तारीख को आप इस फॉर्म को भर रहे हैं पैसा ट्रांसफ़र करवाने के लिए, वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे अब इंग्लिश में वो भी पूछा जा रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको RTGS करना है या नेफ्ट करना है। देखिए नेफ्ट करेंगे तो आपका जो अमाउंट है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपके अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में जाने में, और RTGS करेंगे तो आपका जो भी अमाउंट हो तत्काल चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जिसके भी अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस का यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद नाम के ऑप्शन पे आएंगे तो उनका नाम डाल देना है और उनके बैंक का नाम डाल देना है, ब्रांच का नाम डाल देना है। नीचे यहाँ पर आप आएँगे तो आपको उनका फिर से एक बार कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको दोबारा डालना है। और यहाँ पे आपको लाभग्राही बैंक तथा शाखा का नाम आपको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिशरी अकाउंट नंबर यानी कि जो भी उनका
IFSC कोड है, आपको IFSC कोड और उनके ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, जैसे IFSC कोड आपको क्रमांक संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको दोनों में डाल देना है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कितने रुपए आपको राशि और कमीशन इसको आपको फिलअप नहीं करना है, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जोड़े के ऑप्शन पे आ जाएंगे टोटल, तो टोटल कितना आपको जो भी ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया है 1,00,000 रुपये मात्र, तो 1,00,000 रुपये आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना, छोड़ देना है इसको। और अब यहाँ पे आएंगे तो आपको कृपया नीचे जो आपने 1,00,000 रुपये लिखा है तो 1,00,000 रुपये यहाँ पे लिखा है, तो आपको इसको हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी आप लिख सकते हैं 1,00,000 रुपये मात्र हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो है वो अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। अब वही चीज़ यहाँ पे आपको नीचे जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे इंग्लिश में पूछी जा रही है तो इसको आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, इसमें अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, नीचे यहाँ पे आना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आवेदक के हस्ताक्षर आपको अपना एक साइन यहाँ पे कर देना है, और आवेदक का नाम आप एक दोबारा साइन कर सकते हैं, पता, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो जो ये आपका RTGS और NEFT का फॉर्म है प्रथमा UP ग्रामीण बैंक का, ये आपका पूरी तरह से भरकर कंप्लीट हो जाएगा। और अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे के नामों रहे जो आपको भुगतान आदेश संख्या जो पूछी जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेक द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते तो आपको यहाँ पे चेक नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो चेक नंबर कैसे होता है वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथमा UP ग्रामीण बैंक का एक चेक है हमारे पास, तो आपको चेक संख्या यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक चेक संख्या जहाँ पे अपनी हमने आपको बताया वहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, और अब आपको इस चेक को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको लिखा है पे के ऑप्शन पे आपको लिखना है सेल्फ टू बैंक, यानी सेल्फ टू बैंक आपको पे के ऑप्शन पे आपको लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट डाल देना है तारीख, और यहाँ पे आपको रुपये आपको हिंदी में लिख देना है, और यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक साइन कर देना है। और अब इस फार्म को, इस चेक को और जो फार्म आपने अभी हमने फिलअप किया है उस फार्म को आपको स्टेपलर कर लेना है और बैंक में आपको दे देना है। तो जिस भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उस अकाउंट में आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक फार्म और RTGS और NEFT का हमारे पास है, जो प्रथमा UP ग्रामीण बैंक का है, तो चलिए उसको भी हम आपको पूरी जानकारी दिखाते हैं कि वो भी कैसे फिलअप किया जाता है। तो ये फार्म जो है पुराना फार्म है, ये बहुत ही सिंपल सा फार्म है, आपको इस ज़्यादातर लोग इसी से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो आपको ब्रांच का नाम आपको ऊपर यहाँ पर डाल देना है, रिमाइंडर डिटेल वगैरह छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको पहले अपना नाम डालना है, जिस अकाउंट से आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप अपना नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे कैश डिपॉजिट आपको डाल देना है, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर अपना यहाँ पे डाल देना है। बेनिफिशियरी डिटेल वगैरह आप डाल सकते हैं कि किस लिए पैसा आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं इसको छोड़ सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बेनिफिशरी नेम आपको पूछा जा रहा है कि आप बेनिफिशरी नेम आप यहाँ पे डालेंगे, जो बेनिफिशरी के अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिसके अकाउंट में उनका, और अब यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डालना है, और अब यहाँ पे आपको बेनिफिशरी बैंक का नाम आपको डालना है, और उनके जिसके अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो अब यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है कितने रुपए आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये फार्म आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे एक साइन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बगल में जो बैंक है वहाँ पर अगर चेक नहीं है तो एक छोटा सा फॉर्म आता है, उसको भी आप फिलअप करके और इस फार्म के साथ में अटैच करके आप दे सकते हैं, तो आपका अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वो फार्म कहाँ पे है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस फार्म को कहते हैं काम्बो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, अगर आपके पास चेक नहीं है तो आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। अब यहाँ पे नामों के ऑप्शन पे आ जाना है और आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है और नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है।
और अब यहाँ पे आ जाते हैं जमा के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको जिसके जिस व्यक्ति के अकाउंट में आपको रुपए ट्रांसफ़र करना है उस व्यक्ति का नाम और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें मिल जाएंगी लिखने के लिए। तो उनका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सारा आप फिलअप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे रुपए के ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आपको हिंदी में लिखना है जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो आपको हिंदी में लिख देना है। उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको 1 यहाँ पे लिखना है, बाकी यहाँ पे 0,0 यहाँ पे लगा देना है। यहाँ से आपको एक लाइनिंग ऐसे खींच देनी है, कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको 1,00,000 रुपये मात्र आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एक साइन करना पड़ेगा। तो इस फार्म को आप जो अभी हमने आपको RTGS 2 फार्म आपको दिखाया है, अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप ये भी लगा कर रुपये ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अगर बैंक वाले करना चाहें तो। और इस बैंक, इस वाउचर द्वारा आप सेम बैंक में भी पैसा आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। मात्र इस फार्म को आपको भरना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में ही आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना है या अपने भाई के अकाउंट में या किसी के अकाउंट में भी आप पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो इस फार्म को आपको फिलअप करना है। जैसे आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, उसके बाद में अकाउंट नंबर, और नीचे यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, अकाउंट नंबर डालना है, रुपये आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, यहाँ पे नीचे आपको अमाउंट डाल देना है, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। तो आप सेम बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको RTGS वाला फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर बैंक में, किसी दूसरे बैंक में रुपये आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको RTGS वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो जो दो फॉर्म आपको हमने दिखाया है वो दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आपके पास चेक है तो आप चेक द्वारा आप पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, नहीं है तो आप ये फॉर्म आप यहां से इसको भी आप भर के वो पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ISO की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।